Yes, very good morning to all of you. So children, in today's maths class, we are going to start our new topic, that is subtraction sums with borrow. In the previous classes, हमने start किए थे addition के sums. पहले हमने simple sums किए first day addition और subtraction के. After that, हमने addition के sums with carry किए 2 days. आज हम करेंगे subtraction sums with borrow. ठीक है? लेकिन उससे पहले आपकी थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन के लिए एक सम हम विदाउट बोरो वाला करेंगे और उसके बाद हम वहां पे आगे कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट बोरो वाले सम्स का क्या मीनिंग होता है और उसको कैसे करते हैं. सो चिल्ड्रन, एज यू नो, सब्ट्रैक्शन मींस टेक अवे, किसी चीज में से कोई चीज निकाल लेनी. सपोज मेरे पास 5 टॉफीज हैं, 5 चॉकलेट्स हैं, तो मैंने उसमें से 2 खा ली. ठीक है, तो मेरे पास कितनी लेफ्ट बची? मेरे पास 3 टॉफीज लेफ्ट बची, राइट? ओके, तो ये होता है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन. जब किसी भी कोई भी अमाउंट हमें गिवन है, कोई भी थिंग्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में गिवन है, तो उसमें से थोड़ी सी अमाउंट बाहर निकाल लें. कोई भी आर्टिकल्स हैं, 10 पेंसिल्स हैं, उसमें से हमने 2 यूज कर ली, तो हमारे पास लेफ्ट कितनी बची, हम उनको काउंट करते हैं. और इसके लिए मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन के सम्स हों, this is the sign of subtraction. ये subtraction का sign है. As you can see here, this is sign of subtraction. जो single line होती है, इसको subtraction बोलते हैं. और इस जब भी ये वाला sign sums में आता है, तो हम क्या करते हैं, हम lower digits को mind में रखते हैं और जब तक हमें upper digit ना मिल जाए, हम तब तक अपनी fingers open करते जाते हैं. और उसके बाद जितनी जब ये वो डिजिट हमें मिल गया, हम स्टॉप कर देते हैं ओपन करना फिंगर्स को और उसके बाद फिंगर्स को काउंट करते हैं. तो जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. तो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर डिजिट हियर. सबसे पहले आपको पता है कि हमने वंस प्लेस से सॉल्व करना स्टार्ट करना है. जब हमने सब्ट्रैक्शन के सम्स हमने जब भी स्टार्ट करने हैं, एडिशन के सम स्टार्ट करने हैं, मल्टीप्लाई कोई भी सम्स करना है शुरू, तो हमने वंस प्लेस से शुरू करने हैं, ना कि 100 प्लेस से. तो जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस का जो लोअर डिजिट है दैट इज 4, वेरी गुड, और अपर डिजिट है हमारा 7. तो जो हमारा लोअर डिजिट होता है यहाँ पे, हम तब तक फिंगर्स ओपन करेंगे जब तक हमें 7 नहीं मिल जाता. 4 को माइंड में रखा, माइंड में रखने के बाद 4 को 4 से नेक्स्ट नंबर से ओपन करनी शुरू करेंगे. 4 के आफ्टर 5, 6, 7. तो जब 7 आया हमारे पास, अब हमारे पास ये फिंगर्स ओपन हो गई, तो हमने फिंगर्स को स्टॉप कर देना है ओपन करना, क्योंकि हमारे पास 7 तक हमने काउंट कर लिया. अब हम फिंगर्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3. तो हमें कितनी फिंगर्स मिली, कितने फिंगर्स है ये, 3. तो वी गेट द आंसर 3 है. तो हम इसको यहां पे लिखेंगे, राइट? ऐसे ही करते थे आप यूकेजी में. नेक्स्ट हमारे पास है लोअर डिजिट 1. तो हमने 10th प्लेस का जो लोअर डिजिट है उसको माइंड में रखना है. 1 को माइंड में रखेंगे और कब तक फिंगर्स ओपन करेंगे, जब तक कि 3 नहीं आ जाए. तो 1 के आफ्टर 2, 3. 3 तक हमारे पास कितनी फिंगर्स ओपन हुई. सुपाली, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग. सुपाली, हैव ए लुक. मैम क्या समझा रहे हैं बच्चे, बाद में आपको पता नहीं चलेगा. 2 फिंगर्स ओपन हुई हैं, तो हमने यहां पे आंसर लिख देना है 2. Right? After this, what is the lower digit at 100 place? 100 place ka lower digit jaldi se chat box mein likhiye. Very good. 2, 2, 2. Very good. Very good. That's nice. Ab humne kab tak fingers kholni hai? Jab tak ki? Kab tak fingers open karenge? Jab tak 9 nahi aa jaye. So 9 humne fingers start open karni hai. जो हमारे माइंड में है उससे नेक्स्ट नंबर से. हमारे माइंड में क्या है, 2. तो
2 के नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब हमारी कितनी फिंगर्स ओपन हुई उनको काउंट करो. यू विल गेट द आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 इज द आंसर. तो जब हमने डिजिट्स को प्लेस वाइज सॉल्व किया तो ये आंसर आया. तो वंस अगेन वी विल राइट द आंसर 723. दिस वे वी सॉल्व द सम. बेटा नाउ यू हैव टू पे मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस सम. देखो इसमें क्या डिफरेंस है. अब हम नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपने यूकेजी में पहले नहीं किया हुआ. तो एज यू कैन सी दिस इज अपर डिजिट इज हियर इज 4, लोअर डिजिट इज 5. तो हम सबट्रैक्शन में क्या करते थे, लोअर डिजिट को माइंड में रखते थे और अपर डिजिट तक फिंगर्स ओपन करते थे. ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे. नोड योर हेड लाइक दिस. मैं देख रही हूं. यस. तो अब हम 5 को माइंड में रख के 4 तक फिंगर्स ओपन कर सकते हैं. 5 के आफ्टर तो क्या आता है, 5 के आफ्टर क्या आता है, राइट इन द चैट बॉक्स 6. तो यहां पे तो 4 है, हमें तो 4 चाहिए. तो इज इट पॉसिबल 5 के बाद हम 4 काउंट कर सकते हैं, 4 ला सकते हैं? नहीं. तो ये क्या हो गई, प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हो गई ना. तो सब्ट्रैक्शन के सामने हमें ये पता चल गया कि जब ऊपर वाला डिजिट, जब अपर डिजिट हमारा स्मॉल होता है, लोअर डिजिट बिग होता है, तब ये सम कौन सा है, बोरो वाला. इस सम में देखो ये वाले सारे अपर डिजिट जो थे वो लोअर डिजिट से बिग थे, बिग थे ना. तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने लोअर डिजिट को माइंड में रखा और अपर डिजिट तक काउंटिंग कर ली तो हमारा आंसर आ गया. लेकिन यहाँ पे जो अपर डिजिट है, जब भी हमारा अपर डिजिट सब्ट्रैक्शन के सम में, स्पेशली मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, सब्ट्रैक्शन के सम में जब भी हमारा अपर डिजिट स्मॉल आएगा तो हम बोरो करेंगे. तो ये क्या हो गया, ये जो 4 है ये छोटा है 5 से, तो अब ये इसमें से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो 4 की हेल्प कौन करेगा, 4 अपने फ्रेंड के पास गया 6 के पास. ये इसका फ्रेंड है, ये इसकी हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा, पहले हम ये वाले 4 को, ये वाले 4 को यहाँ पे लिख देंगे सर्कल में, वंस प्लेस के सर्कल में. बेटे ध्यान से देखो ये वाला स्टेप, अभी कुछ कोई नहीं लिखेगा. लुक एट द बोर्ड पर्ल, लुक एट द बोर्ड. जो 4 है इसको हम कट करके यहाँ पे लिखेंगे. क्यों, अब ये 6 के पास गया हेल्प लेने के लिए, तो 6 ने इसको 1 बोरो किया, इसने 4 ने 6 से 1 बोरो किया. जब बेटा आप स्कूल में जाते हो तो आपके पास कभी पेंसिल नहीं होती, आप भूल जाते हो घर पे, भूल जाते हो ना कई बार पेंसिल बॉक्स, तो अपने फ्रेंड से बोरो करते हो, बोरो करते हो ना. बोरो मींस लेना, किसी से कुछ लेना. ठीक है, जब हमारे पास कोई इरेजर हमारी घर रह जाती है, पेंसिल रह जाती है, तो मैम बोलते हैं ना कि आप शेयर कर लो, अपने फ्रेंड की हेल्प ले लो. तो ऐसे ही 4 छोटा था, इसके पास इसने बड़ा बनने के लिए अपने फ्रेंड से 1 बोरो किया. तो जब इस 6 ने 1 इसको दिया तो ये बन गया 1, 4, 14. ये नंबर बिग बन गया, 4 क्या बन गया, 14. तो यहाँ पे कितने लेफ्ट बचे, अब ये 6 था, आपके पास 6 ट्रॉफीज है. ठीक है, आपने 1 अपने फ्रेंड को दे दी तो आपके पास कितनी बची, 6 में से 1 अपने फ्रेंड को दे दी आपने तो आपके पास कितनी बची, 5. तो इस 5 को पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, राइट. ये वाली जो लेफ्ट बची वो यहाँ पे लिख दिया. अब देखो, अब हम सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन. यहां तक करने के बाद, ये वाले स्टेप 2 करने के बाद आपने फिर से वंस प्लेस पे आ जाना है. अब इसको माइंड में रखो, 5 को माइंड में रख के 14 तक फिंगर्स ओपन करोगे. अब ये वाला 4 भूल जाओगे, अब ये नंबर कट गए. अब हमने इसको और इसको देखना, ये हमारा लोअर डिजिट है और 14 हमारा अपर डिजिट है. तो 5 को माइंड में रखेंगे,
और कब तक फिंगर्स ओपन करेंगे? जब तक कि 14 नहीं आ जाए। तो 5 के आफ्टर ओपन करनी स्टार्ट करो मेरे साथ फिंगर्स। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. कितनी फिंगर्स ओपन हुई मेरी? 5 ये हैं, 4 ये हैं, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 इज द आंसर। समझ में आया बेटे? ये 4 था, 5 से छोटा था, इसने बिग बनने के लिए अपने फ्रेंड 6 की हेल्प ली। जो ये हेल्प अपने नेक्स्ट प्लेस से लेगा, ये नहीं 7 के पास नहीं जाएगा, ये वाला 4 जब ये छोटा होगा तो ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा। इसका फ्रेंड ये है, इसका फ्रेंड ये है, ठीक है? तो जो पास वाला फ्रेंड है उसने इसकी हेल्प की, इसने इसको 1 दे दिए, तो ये वाला 4 ऊपर चला गया और जो 1 इसने दिया, ये दोनों मिलके, इसने दोनों को मिलके खुद को क्या बना लिया? 14। और इसके पास बचे 5, क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था, तो 6 के में से 1 निकल गए, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? उसके बाद हम 5 के बाद 14 तक फिंगर्स ओपन कर सकते हैं। तो हमने फिंगर्स ओपन की, हमारी 9 फिंगर्स ओपन आई हुई, तो 9 हमारा आंसर आ गया, राइट? अब 10th प्लेस का लोअर डिजिट क्या है हमारे पास? 10th प्लेस का लोअर डिजिट क्या है? 2। अब हमने 6 को नहीं देखना, हमने क्रॉस कर दिया ये वाले नंबर्स, हमारा अपर डिजिट ये है जो सर्कल में लिखा है हमने। तो 2 के आफ्टर 5 तक फिंगर्स ओपन करेंगे, 2 के आफ्टर 3, 4 एंड 5। कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 3 फिंगर्स, वेरी गुड। तो वी विल राइट 3 हियर। ये अब देखो, अपर डिजिट बिग था, ये स्मॉल था, तो हमें बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये वाला नंबर भी बिग है, ये स्मॉल है, तो यहाँ पे भी हम बोरो नहीं करेंगे। बोरो कब करेंगे? जब हमारा अपर डिजिट स्मॉल होगा, ऊपर वाला डिजिट छोटा होगा। आपने इसको माइंड में रखना है, ये न्यू चीज है आपके लिए। जब हमारा ऊपर वाला डिजिट छोटा हो तभी बोरो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिंपल सॉल्व करेंगे। अब 3 के बाद 7 तक फिंगर्स ओपन करो, क्या आंसर आएगा 3 के बाद? बेटा, 1 स्टूडेंट इज विद जूम आईडी, प्लीज रीनेम। जूम आईडी से जो बच्चा है अपने आप को रीनेम करो। कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे, उसका नेम विजिबल नहीं है। यस, 3 के आफ्टर 4, 5, 6, 7। तो हमारी कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 1, 2, 3, 4। 4 इज द आंसर एट 100 प्लेस। तो आंसर हमारा आ गया 439, राइट? राइट स्टूडेंट्स, ओके। किस किस को समझ में आ गया? शो मी योर थम्स। किस किस को समझ में आ गया? देवेन, गावेन, परीक्षा, पर्ल, उदयवीर, शो मी योर थम्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी देखे किस किस को समझ में आ गया? मनरूप को भी आ गया, साहिबवीर को भी आ गया, जसजोत को भी आ गया। रिदम, आपका थम नहीं नजर आ रहा मुझे, आपको समझ में नहीं आया? श्लोक गुप्ता, यस, वेरी गुड। और रियांश, अरमान, आशिनी, वेरी गुड। शुभांगु, शुभांशु, वेरी गुड, वेरी गुड। विवान, सीरत, अरनूर, खुशी, एकनूर, वेरी गुड, वेरी गुड। एकनूर, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? लुक हियर। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू द थर्ड सम। थर्ड सम में फिर से चेक करिए, क्या हमें ये बोरो वाला सम है कि नहीं? पहले आप मुझे ये बताइए, इसको देख के क्या ये बोरो वाला सम है? राइट इन द चैट बॉक्स। बस अब थम भेजने बंद करो, बस परी, इसके बाद कोई थम नहीं भेजेगा, मुझे समझ में लग गया। नाउ यू पीपल विल टेल, इज इट बोरो क्वेश्चन और नॉट? ये क्वेश्चन बोरो वाला है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों बोरो वाला है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, बोरो वाला क्वेश्चन क्यों है?
I am giving you the time to write the answer why it is borrow wala question. ये borrow वाला sum क्यों है? Why we have to do borrow here? Because 7 is smaller. Very good. 7 जो small है 8 से. तो अब हम क्या करेंगे? 7 किसकी help लेगा? 7 की help कौन करेगा? 4. Very good. Very good. तो 7 क्या बन जाएगा? ये 7 ने इस 4 की help ली. 7 ने 4 ने 1 दिया 7 को. तो क्या बनेगा? Very good. Very good. Students are giving right answer in the chat box. Very good. It will become 17. Very good. You people are very smart. एक ही question में समझ गए हो. Very nice. Okay. तो जो टेंस प्लेस पे 4 है उसके पास कितने बचे? जो टेंस प्लेस पे 4 है उसके पास कितने लेफ्ट बचे? Very good, very good, very good. इसका भी राइट आंसर 3 लेफ्ट बचे. तो अब हमने किसको माइंड में रखना है पहले? अब हम किसको माइंड में रखेंगे? 8 को. Very good. तो 8 के बाद स्टार्ट करो. कब तक फिंगर्स ओपन करनी है? जब तक कि क्या ना आ जाए 17. Very good. तो स्टार्ट ओपनिंग द फिंगर्स. ओपन करना स्टार्ट करो. मैं आपको देख रही हूं अब. पहले मैंने करवाया ना, अब आप बताइए मुझे. यस गुंजोत, स्टार्ट ओपनिंग द फिंगर्स. 8 को माइंड में रख के 17 तक फिंगर्स ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? टाइप करिए चैट बॉक्स में. समवन इज प्लेइंग म्यूजिक. आई डोंट नो हु इज दैट चाइल्ड. यस बेटा, यस, वेरी गुड. 9. सो वी गॉट 9 हियर. सो वी विल राइट 9 हियर. हमारी 9 फिंगर्स ओपन हुई. 8 को माइंड में रखा. 8 के आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो यहां तक हमारी कितनी फिंगर्स? 5 फिंगर्स वन हैंड की, 4 फिंगर्स ये. तो हमारी टोटल 9 फिंगर्स ओपन हुई. राइट, सो वी हैव रिटन 9 हियर. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द टेंस प्लेस. टेंस प्लेस का कौन सा डिजिट माइंड में रखेंगे? अखिल, आपने 992 टाइम्स लिख दिया. दिस इज रॉन्ग. अब 2 को माइंड में रखेंगे और कब तक फिंगर्स ओपन करेंगे? जब तक कि 3 ना आ जाए. तो 2 के बाद कितनी फिंगर्स ओपन होंगी तो 3 आ जाएगा? 1 फिंगर. वेरी गुड. 2 के आफ्टर 3. तो हमारी 1 फिंगर ओपन हुई. तो वी विल राइट 1 हियर. अब 100 प्लेस पे हम किसको माइंड में रखेंगे? 100 प्लेस पे किसको माइंड में रखेंगे? यस, वेरी गुड. 6 को माइंड में रखेंगे और फिंगर्स ओपन करेंगे जब तक कि 9 नहीं आ जाए. ये नंबर हमने कट नहीं किया, इसलिए ये हमारा अपर डिजिट है, ये लोअर डिजिट है. यहाँ पे ये नंबर कट हो गए थे, हमने इनको हाइड कर लिया. तो हमारे जो सर्कल वाला नंबर अपर डिजिट, दिस इज लोअर डिजिट. तो यहाँ पे हम 6 के बाद 9 तक फिंगर्स ओपन करेंगे. तो हमारी 6 के आफ्टर 7, 8, 9, 3 फिंगर्स ओपन हुई. तो वी विल राइट 3. तो वी गॉट द आंसर 319. फाइन, फाइन बेटा. यस, किस किस को समझ में आ गया? Yes, very good. Should I see how many students are writing their work nicely? All are sitting very nicely. Yes, Akhil, beta, are you writing? Gurnesh, you are playing, I think so. Khel rahe ho? Okay, okay. Do your work. Camera ko bar bar nahi touch karna. Rajni ma'am, by the time I'm going to erase it, you just send गूगल फॉर्म वंस अगेन. बेटा जिसने अटेंडेंस नहीं फिल की, रजनी मैम सेंड कर रहे हैं. जब तक अब बस थंब भेजना बंद करो बेटे, मैम को सेंड करने दो, नहीं तो ऊपर चला जाएगा मैसेज.
Rajni ma'am is going to share Google form. Please fill that. Yes, beta, tell me, is it sum of borrow? क्या ये सम बोरो वाला है? यहाँ पे हम बोरो कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हम इस सम में बोरो करेंगे? ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा. यस, करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज टू इज स्मॉलर देन एट. जो वंस प्लेस का अपर डिजिट है वो स्मॉल है टेंस नीचे वंस प्लेस की लोअर डिजिट से. टू छोटा है, एट बड़ा है. तो टू कैसे बड़ा होगा? टू खुद को बिग कैसे बनाएगा? टू किससे हेल्प लेगा? सेवन से. वेरी गुड. सेवन जब इसकी हेल्प करेगा तो टू की जगह पे क्या बन जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड. तो हम इसको कट कर दें. ये वाला डिजिट यहां पे लिख दिया और जो इसने वन दिया इसको वो इसके साथ इसी वाले सर्कल में. राइट बेटे? नेक्स्ट. अब इसने इसको वन दिया तो यहाँ पे लेफ्ट बचे सिक्स. वेरी गुड. हमने रिवर्स काउंटिंग करनी है जब यहाँ पे लिखना है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेवन के आफ्टर एट लिख देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है. आपने जब इसको सेवन ने वन इसको दिया तो सेवन के पास एक नंबर कम हो गया ना, लेस हुआ, कम हो गया, दे दी किसी को चीज. तो इट मींस हमने इसकी रिवर्स काउंटिंग करनी. अब हम सॉल्व करेंगे. एट के बाद ट्वेल्व फिंगर्स, ट्वेल्व तक फिंगर्स ओपन करो. एट के आफ्टर ट्वेल्व तक फिंगर्स ओपन करनी स्टार्ट करो. नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व. तो कितनी फिंगर्स ओपन हुई? फोर फिंगर्स. सो फोर इज द. प्रिया यू आर नॉट राइटिंग. प्रिया डू द वर्क विद मी. डू योर क्लास वर्क विद द क्लास. ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क. यू ऑल्सो हैव टू डू. यस. नेक्स्ट. टेंस प्लेस पे लोअर डिजिट टू है और अपर डिजिट सिक्स. तो टू के आफ्टर क्या करेंगे हम? कब तक फिंगर्स ओपन करेंगे? जब तक कि सिक्स ना आ जाए. टू के आफ्टर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. अगेन वी गॉट आंसर फोर ही. तो थ्री के आफ्टर, नाउ थ्री इज अ लोअर डिजिट एट हंड्रेड प्लेस एंड फाइव इज द अपर डिजिट. थ्री के बाद फोर, फाइव, फाइव आ गया. तो कितनी फिंगर्स ओपन हुई? टू फिंगर्स. वेरी गुड. तो टू फोर फोर इज द आंसर. आंसर दोबारा राइट करेंगे 244. यहाँ पे हमने जब प्लेसेस सॉल्व की वन बाय वन लिखा तो उसके बाद हमने नीचे आंसर को अलग से मेंशन करके लिखा. नाउ वन मोर सम. 845. इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं 617. तो ये सम में आप स्टेप्स लिखोगे. सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या चेक करेंगे हम इसमें? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? जब भी सम स्टार्ट करना है तो क्या चेक करना है? अपर डिजिट, वो छोटा है कि बड़ा है. हियर फाइव इज, फाइव क्या है, बिग है कि स्मॉल है सेवन से? बेटा फाइव जो है वो सेवन से बिग है कि स्मॉल? फाइव इज स्मॉल एंड सेवन इज बिग. तो ये क्या हो गई? प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हो गई ना. वी कैनॉट काउंट फाइव आफ्टर सेवन. सेवन को माइंड में रख के फाइव तक काउंट नहीं कर सकते. तो इसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? इसका फ्रेंड. इसका फ्रेंड कौन है? फोर. फोर ने इसकी हेल्प करनी है तो ये वाला फाइव चला गया ऊपर और इसके फ्रेंड ने हेल्प की इसको बिग बनाने में. तो ये फाइव बन गए 15 और फोर से हमारे फोर के पास कितने लेफ्ट बचे? फोर के पहले आता है थ्री. नाउ वी विल ओपन द फिंगर्स आफ्टर. इसको माइंड में रखेंगे सेवन को और वी कैन काउंट
fingers up to 15. So 7 ke baad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So kitni fingers open hui? 8 fingers. So we will write 8 here. Right, bete? Now, हमने माइंड में रखना है टेंस प्लेस का लोअर डिजिट. नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, 1 को माइंड में रखा और 3 तक फिंगर्स ओपन करनी है. 1 के आफ्टर 2 3, 1 के आफ्टर 2 3, कितनी फिंगर्स? 2 फिंगर्स. सो वी हैव रिटन 2 हियर. आफ्टर दैट 100 प्लेस का लोअर डिजिट माइंड में रखा 6, और हमने 8 तक फिंगर्स ओपन करनी है. 6 के आफ्टर 7 8, अगेन 2 फिंगर्स. तो हमारे पास आंसर आ गया 228. दिस वे वी विल सॉल्व सब्ट्रैक्शन सम्स विद बोरो. सो बेटा दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Now, if you have any query, you can ask from me. Okay, beta? Thank you.